पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्होंने 1975 में आरएसएस के खिलाफ आपातकालीन मिसा बंदी लगाई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को आनी बानी काल में आपातकालीन मिसा बंदी बनाए गए स्वयंसेवकों को पेंशन देने की घोषणा प्रधानमंत्री इनके द्वारा दी गई थी, लेकिन अब तक पेंशन नहीं दी गई है। इस बात पर सख्त नाराजगी जताते हुए आने वाले 15 अक्टूबर को आरएसएस के रेशम बाग परिसर में संभाजी नगर के आरएसएस स्वयंसेवक जोशी दंपति ने प्रधानमंत्री को आत्मदाह करने की चेतावनी पत्र परिषद में दी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्होंने 1975 में भारत में आपातकाल लगाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाते ही आरएसएस के सैकड़ों निष्ठावान स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था। भारतवर्ष से आरएसएस के स्वयंसेवकों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश से भी कई आरएसएस निष्ठावान स्वयंसेवकों को मीसा के तहत बंदी बनाया गया था। संघ की दृष्टि से तृतीय वर्ष शिक्षित आपातकालीन मीसा बंदी में स्वयंसेवक अवधूत जोशी के पिता सदाशिवराव विनायक जोशी 14 जनवरी 1976 से 22 मार्च 1977 तक केंद्रीय कारागार रायपुर पूर्व का मध्य प्रदेश में निरुद्ध रहे थे। तत्कालीन सर संघ चालक बाड़ा साहेब देवरस इनके आह्वान पर पूरे भारत में संघ के निष्ठावान स्वयंसेवकों ने आपातकाल के विरोध में सत्याग्रह किया था। दुर्ग में भी 13 स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह के तुरंत बाद तीसरे दिन सदाशिवराव जोशी इन्हें गिरफ्तार कर मीसा के तहत रायपुर कारागृह में निरुद्ध किया था। गिरफ्तार किए गए सभी मीसा बंदियों को पेंशन देने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने कही थी, लेकिन इस बात पर अभी भी अमल नहीं किया गया। नागपुर के तिलक पत्रकार भवन में संभाजी नगर से आए आरएसएस के स्वयंसेवक अवधूत जोशी और मंगला जोशी इन्होंने बताया कि इस बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत इन्हें भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्वयंसेवक पेंशन को लेकर पत्र लिखे गए। बार बार अवगत भी कराया गया, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रहेगी। यदि जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले 15 अक्टूबर को अवधूत जोशी और मंगला जोशी दोनों रेशम बाग परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी पत्र परिषद में दी है। यदि इन लोगों ने आत्मदाह किया तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, ऐसा जोशी दंपति ने कहा। हमारे संवाददाता संजय मेरे इन्होंने जोशी दंपति से की बातचीत, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ में ऐसी दो पर्सनलिटी मौजूद है जो औरंगाबाद से आई हुई है, आरएसएस के कार्यकर्ता है। उनका ये मानना है कि जो आने वाली जो लगी थी जिसके तहत कई लोगों को जेल में जाना पड़ा था, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया था कि उनको पेंशन लागू होगी, मगर आज समय बीत चुका है लेकिन अभी भी पेंशन लागू नहीं हुई है। अगर पेंशन लागू नहीं होती तो ये स्वयंसेवक क्या करेंगे, आइए सीधा रुख करते उन्हीं की ओर। इस समय हमारे साथ में मंगला जोशी है, उनसे जाना चाहेंगे। मंगला जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से ये जो कमिटमेंट एक किया गया था देश के प्रधानमंत्री द्वारा, क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है प्रधानमंत्री जी से, हमारी मांग यही कि जो भी आपातकालीन मीसाबंदी थे उनको पेंशन लागू होना चाहिए, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो सारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। हम पंत प्रधानमंत्री जी का और माँ भागवत जी का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में संपूर्ण भारत के लिए हम ये काम कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में जो मीसाबंदी के जो लोग हैं, आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से जो कमज़ोर हो चुके हैं, और 130 करोड़ जनता में मीसाबंदी भी आते हैं, तो हमारी ये छोटी सी गुजारिश है हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी से कि वो कैबिनेट से पास करें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, ये 15 अक्टूबर के पहले हमारी पेंशन अकाउंट में आ जानी चाहिए। यदि आपके मांगों को दरकिनार कर दिया गया और अभी भी उसको ध्यान में नहीं रखा गया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी, क्या करोगे आप? हमारी अगली रणनीति तो फिर यही है कि मैं और मेरे बगल में मेरे हस्बैंड हैं, पति हैं, उसके लिए हमारा स्टिल डिसीजन है कि हम आत्मदाह करेंगे। और ये छोटी सी हमारी गुजारिश नहीं है, ये एक माता पिता को, एक जो बच्चे कहते हैं कि हमें भूख लगी है, विरोध में नहीं जाते हैं, अपनी बात कहने के लिए जाते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से यही कह रहे हैं कि आप हमारी बातों को मांग लीजिए, ताकि हमारे आत्मदाह का जो हमारा निर्णय है उसमें आप सहयोगी ना बने। बिल्कुल, तो इस प्रकार से मंगला इन्होंने ये बात कही, अब हम सीधा रुख करेंगे जोशी जी के पास। जोशी जी, आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो कई बातों से, कई दिनों से जब मैंने मोहन भागवत जी को पत्र लिखा, हमारे संघ के वो सरसंघ चालक हैं, परम पूज्य ने बाड़ा साहब देवरज जी ने आपातकाल में समस्त संघ के स्वयंसेवकों को
ये बात कही थी कि आपातकाल जो लगा है, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया है, जिसने संघ के निष्ठावान स्वयंसेवकों को जबरदस्ती से जेल में बंद किया है, इसके खिलाफ सत्याग्रह होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य ने बाड़ा साहब देवरज जी के आह्वान पर संघ के निष्ठावान स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। 125,000 लोग जेलों में बंद थे। आपातकाल संघ की ताकत पर हटा है। संघ की शक्ति के बगैर कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं होती। देश में, विदेश में, सब जगह, पूरे विश्व में ये जानकारी हुई कि 75 से 77 का जो आपातकाल समाप्त हुआ है, वह केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवकों की ताकत के बलबूते पर हुआ है। जोशी जी, मुझे एक बताइए, ये तो बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार से आपने आत्मदाह की जो बात की है, वो कितनी न्याय संगत है? बात इस प्रकार की दिखाई दे रही, कुल मिलाकर के भारतवर्ष के अंदर में जितने भी आज की तारीख में कम से कम 30,000 मीसाबंदी जीवित हैं, उन परिवारों की जिस प्रकार की स्थिति है, सारे लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी जी तक सारी बात लोकसभा के माध्यम से, राज्यसभा के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से, लोकतंत्र सेनानी, लोकतंत्र रक्षक मंच, यूपी से लेकर, राजस्थान से लेकर, पूरे भारत में जितने प्रकार के संगठन हैं, सब संगठनों ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। हजारों पत्र प्रधानमंत्री जी को गए हैं। अभी मैंने जब ये 11 तारीख को पत्र लिखा है, उसके बाद हजारों पत्र नागपुर के संघ स्थान पर पहुँचे हैं, और मैंने ये बात की घोषणा उसमें की थी। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को निवेदन किया था कि आप जो हैं 27 जून तक अगर मोदी जी के द्वारा समस्त आपातकालीन बंदियों के लिए किसी प्रकार की अगर कोई घोषणा होती है तो ठीक है, नहीं तो 27 जून को मैं परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार जी का जो स्मृति मंदिर है, वह मेरा राष्ट्र मंदिर है। परम पूजनीय गुरु जी ने 33 वर्षों तक अनवरत कार्य किया, अपने खून का पानी बनाकर संघ के विशाल वृक्ष को तैयार किया। ऐसे उनके आदर्श को उन्होंने, जब अंतिम उनका समय था, उन्होंने अंतिम समय में अपने पत्र में लिखा था और कहा था कि परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिमा के सामने किसी भी प्रतिमा इसके बाद किसी भी सरसंघ चालक की नहीं बनेगी। इसलिए परम पूजनीय गुरु जी का राष्ट्राय स्वः राष्ट्राय इदम नमः, इस प्रकार की जो बात उन्होंने कही थी, 33 वर्ष उन्होंने काम किया था, उनके एक दीप पुंज के रूप में प्रज्वलित काम किया गया है, उसी स्थान को लेकर के हमने कहा है कि अगर 14 अक्टूबर तक हमने समय दिया है मोदी जी को और मोहन जी को भी, हमारा निवेदन है, हमको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी प्रतिबंधित लोग हैं जिनके ऊपर मिसा के तहत कार्यवाही हुई थी, ऐसे परिवारों के रोने को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मैंने वास्तविक रूप से अपने को इससे बाहर निकाल करके अपने आप को मीडिया के सामने खड़ा रखा है। इसका मुझे बहुत दुख है, न मैं संघ विरोधी हूँ, न मैं भाजपा विरोधी हूँ। बिल्कुल, तो आप थे जोशी दंपत थे जिन्होंने बखूबरी विभाग से बात करते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार हो या हो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, इन्हें बार बार ज्ञापन दिया गया है, उसके बावजूद भी वे लोग ज्ञापन पर ध्यान नहीं दे रहे, और ना ही किसी आनी बानी के समय जो जेल में जिन्होंने जेल में जो यातनाएँ भोगी, जो कामकाज किया है, जिन्हें कैदी बना के रखा गया था, उन लोगों को न्याय नहीं मिलता, अगर उनको सरकार पेंशन नहीं देती तो आने वाले अक्टूबर माह में आत्मदाह करने की इन्होंने चेतावनी दी है। अगर ये ऐसा होता है तो बहुत बुरी बात हो सकती है। इस ओर केंद्र सरकार ध्यान दे और सरसंघ चालक मोहन भागवत ध्यान दे, और इस प्रकार का कोई भी जोखिम या बड़ा कदम कोई भी न उठाए, इस ओर ध्यान दे, क्योंकि लोकतंत्र की ये जो बात है। पत्रकार भवन से संजय मीरे, BCN News नागपुर।